चाइव्स और सोय पनीर का इस्तेमाल करते हुए हम आज कोरियन डंपलिंग्स की रेसिपी बना रहे हैं। आज की रेसिपी में हम फार्म पे उगाए हुए चाइव के हरे पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। चाइव के पत्ते हरे प्याज और लहसुन जैसे होते हैं, पर स्वाद में काफी माइल्ड होते हैं। ये पत्ते आपको किसी भी ऑर्गेनिक फूड स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डंपलिंग्स की स्टफिंग बनाते हैं। इन पत्तों को अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसे आधे इंच में काट लेंगे। जब पैन तेज सेक पर गर्म हो जाए तो हम उसमें एक बड़ा चम्मच तेल का डालेंगे। आप इस रेसिपी के लिए कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसमें सेसमे ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल गर्म होने पर इसमें हम चाइव्स के पत्ते, बारीक कटा हुआ लहसुन, एक बड़ा चम्मच चीनी, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच विनेगर डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाए तो उसमें हम एक बड़ा कप टोफू डालकर बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला लेंगे। अब ये स्टफिंग हो गई है तैयार, तो चलिए अब बाहर के रैपर बनाते हैं। हम डंपलिंग के रैपर्स ग्लूटेन फ्री बना रहे हैं, जिसके लिए हम एक बड़ा कप चावल का आटा और आधा कप टेपियोका स्टार्च ले रहे हैं। इसमें छोटा चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच तेल का डालने के बाद पानी के साथ अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे को आधा घंटा रेस्ट कराने के बाद अब हम इसके रैपर्स बनाते हैं। आटे के हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये पेड़े का साइज उतना रहेगा जितना हम पूड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पेड़े को हम बिल्कुल पतला बेल लेंगे। बिले हुए रैपर को बिल्कुल गोल करने के लिए आप कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक एक कर रैपर में स्टफिंग भरेंगे और हम उसे आधा फोल्ड कर लेंगे। एजेस को प्रेस करते हुए अच्छी तरह से सील कर लीजिए। दोनों एंड्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए दबा दीजिए। अब ये डंपलिंग स्टीम करने के लिए तैयार हैं। जब तक डंपलिंग स्टीम हो रहे हैं, तब तक हम सॉस बना लेते हैं। एक बोल में हम 3 से 4 बारीक कटी हुई लाल मिर्च लेंगे, एक बड़ा चम्मच चीनी, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच सिरका, एक चम्मच लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच तिल का डालने के बाद सॉस को हम 1 से 2 मिनट तक के लिए मिलाएंगे, जब तक चीनी घुल ना जाए। आपकी सॉस हो गई तैयार। अब आपके स्टीम डंपलिंग सर्व करने के लिए तैयार हैं। पर अगर आपको मेरी तरह पैन फ्राइड डंपलिंग्स पसंद हैं, तो आप 1 चम्मच तेल में इन्हें शैलो फ्राई कर लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा।